أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو محسن آپ لوگوں کے ساتھ اس سیمسٹر سپرنگ 2019 میں ہے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہماری اسائنمنٹ نمبر 1 IT430 ای کامرس کی جو آئی ہوئی ہے اس حوالے سے ہے تو آئیے ہم لوگ اپنی اسائنمنٹ دیکھتے ہیں دوستو ہماری اس असाइनमेंट के जो रिक्वायरमेंट हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर यू हैव टू शो ऑल द कन्वर्जन स्टेप्स और जो हमारे पास डेसिमल नंबर है वो 187 है क्वेश्चन नंबर 2 है यू हैव टू राइट द HTML कोड फॉर क्रिएटिंग टेबल एज शोन इन द फॉलोइंग स्क्रीनशॉट जो हमें ये नीचे दिखाया गया है You have to write your own VUID name, semester, degree program and CGPA. All the values in the table should be centered, aligned और सारी values जो हैं वो centered, aligned होनी चाहिए दोस्तों ये है हमारी assignment. अब हमने इसका करना क्या है इसमें हम question number 1 का जो हमारा solution है उसकी तरफ चलते हैं जिसमें हमने convert करना है decimal number को binary number के अंदर 187 जो है हमारे पास एक जो है डेसिमल नंबर है दोस्तों हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं हमने बहुत पहले एक वाफिकल वाला तरीका पढ़ा होगा कि हमने 187 करना है दो से तकसीम करना है तो दोनी में 18 दो तीन छः एक बच गया तो बैलेंस रिमेनिंग हमारे पास 1 आ गया फिर 2 से डिवाइड करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 तो दो चौके 8 एक बच गया 13 बन गया और दो छके 12 एक बच गया जी फिर हमारे पास दो दूनी चार दो तीन छः बैलेंस जीरो आ गया फिर हमारा दो एकम दो दो एकम दो एक बच गया एक आ गया दो पंचे दस एक बच गया दो दूनी चार एक बच गया दो एकम दो और फिर बैलेंस में हमारे पास रिमेनिंग जो है वो जीरो आ गया अब हमने इसको कन्वर्ट कैसे करना है बाइनरी के अंदर हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे और ये वाले जो सारे वन और जीरोज हैं ये हमारा सारा बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगी वो कैसे है जी जब फर्स्ट नंबर पे 1 है हमने 1 लिखा फिर 0 है फिर 0 लिखा फिर 1 है 3 टाइम फिर हमने 1 1 1 लिखा और फिर 0 है 0 लिखा फिर 1 है 1 लिखा और फिर 1 लास्ट वाला जो ये लास्ट वाला 1 लिखा तो ये हमारी बाइनरी कन्वर्जन हो गई दोस्तों हम इसको चेक भी कर सकते हैं चेक करने के लिए क्या है जी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे हम अपना जो रन के अंदर जाएंगे और रन में जाने के बाद हम यहाँ पे CALC लिखेंगे CALC लिखेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा ये FF स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर होगा हमने क्या करना है हमने जो है यहाँ पे क्लिक करना है मेन्यू के ऊपर और यहाँ से आके प्रोग्रामर पे क्लिक कर देना है प्रोग्रामर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास देखें हेक्साडेसिमल डेसिमल ऑक्टल और बाइनरी आ रहा है तो हमने यहाँ से डेसिमल सेलेक्ट करना है और डेसिमल जो है वो हमारे पास 187 है 187 करके और फिर हम बाइनरी पे अगर क्लिक करते हैं तो हमारे पास बाइनरी का जवाब आ जाएगा जो है 1011 1011 एंड दैट इज इक्वल टू माय आंसर जो मैंने सॉल्व किया तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है और जो हमारा तरीकाकार है वो भी बिल्कुल ठीक है दोस्तों अब हम अपने रिक्वायरमेंट नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसकी तरफ जाते हैं इसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को इसका HTML कोड सबसे पहले समझा देता हूं और फिर जो है हम लोग इसकी आउटपुट भी मैं आपको कंप्यूटर करके दिखा दूंगा इसमें सबसे पहले एक टैग लिया HTML और इसमें मैं पहले भी हर बार यही अर्ज करता हूं कि हमारी जो HTML की लैंग्वेज है वो बेसिकली बॉक्सेस की लैंग्वेज है तो हमने HTML का बॉक्स लिया और HTML के बॉक्स को एंड पे बंद भी कर दिया इसके अंदर हमने हेड का एक बॉक्स लिया उसके हेड को एंड पे बंद किया और टाइटल या टाइटल हमने लिखा है जी सॉल्यूशन असाइनमेंट नंबर 1 IT430 ई कॉमर्स तो ये हमारा असाइनमेंट नंबर 1 का टाइटल आ गया जी बॉडी है बॉडी के अंदर हमने एक टेबल लिया टेबल इक्वल्स के एक एट्रीब्यूट है बॉर्डर बॉर्डर हमने क्योंकि इसके बाद एक बॉर्डर लगा हुआ तो हमने बॉर्डर लगा दिया 1 TR एक पहली रो ली टेबल की ठीक है जी अब हमने TH लगाया TH जो है वो बेसिकली हेडिंग के लिए है तो ये हमने ये सारी हेडिंग्स की शेप में दिखानी है TH VUID TH नेम TH को क्लोज किया फिर TH शुरू किया सेमेस्टर
TH को क्लोव किया, फिर TH डिग्री TH को क्लोव किया, फिर TH फिर GPA TH को क्लोव किया, और फिर हमने पहली जो रो है इफ को हमने क्लोव कर दिया TR के साथ। इसके बाद फिर हमने एक TR शुरू की, इसमें हमने TD लिया, टेबल डेफिनेशन आ गया। इसमें हमने सबसे पहले TD के अंदर हमने अपना ID लिया ना, जैसे मैंने यहाँ पे MF XXX लिया हुआ, तो आपने यहाँ पे MF 1020 या जो भी है whatever वो लिखना है। उसके बाद TD दूसरा लिया हमने, उसके अंदर अपना नेम लिखा, फिर TD तीसरा लिया, उसके अंदर हमने अपना सेमेस्टर लिखा, जो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या जो भी है। फिर हमने TD लिया, और इफ TD के अंदर हमने एक अपना स्टडी प्रोग्राम या डिग्री प्रोग्राम लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे MFBA लिख दिया, और फिर हमने फिर GPA लिख दिया TD एक और लेकर 3.32, और फिर TR को क्लोज कर दिया, फिर हमने टेबल को क्लोज किया, फिर बॉडी को, और फिर इसी तरह हमने HTML को क्लोज कर दिया। दोस्तों ये है हमारा जो है कोड, और अब मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि ये हमने अपने कंप्यूटर के ऊपर कैसे करना है। इसके लिए हमने सबसे पहले नोट पैड एक ओपन करना है। नोट पैड मैंने यहाँ पे नोट पैड प्लस प्लस इंस्टॉल किया हुआ है, आप नोट पैड कंप्यूटर वाला भी यूज़ कर सकते हो। नोट पैड ओपन किया, नोट पैड ओपन करने के बाद वो सारे का सारा कोड मैंने इसके अंदर टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद जब हम इसे सेव करेंगे, सेव करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक फाइल सेव की हुई है, और इसको सेव करते हुए हमने यहाँ पे IT e-commerce के असाइनमेंट नंबर 1 लिखा, और हम साथ .html लगा देंगे। .html लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारी आउटपुट मतलब जनरेट होगी, और वो आउटपुट अगर हमने देखनी है तो वो देख भी सकते हैं। ये एक फाइल हमारे पास बन जाएगी, तो अगर हम इस फाइल को ओपन करते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास वो आउटपुट आ गई, और ये सेम एज इट इज़ वैसे ही है जैसी हमारी उस असाइनमेंट के अंदर हमें स्क्रीन शॉट के अंदर हमें दिखाई गई है। दोस्तों ये थी हमारी असाइनमेंट IT430 की। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो दोस्त फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच सके। मोहसिन भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।